बींग सुपरस्टिशियस क्या है ये वहम वहम का हो जाना वैसे तो दुनिया में बहुत सारे ऐसी सुपरस्टिशियस चीज़ें हैं लेकिन सर फहरस्त जो चीज़ है वो है तेरह नंबर अमूमन लोग कोशिश करते हैं कि उनका मरीज अगर हस्पताल में जाए तो वो तेरह नंबर बेड पे ना जाए या तेरह नंबर कमरे में ना जाए क्योंकि अगर चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा <laughs> इसी तरह लोग जहाज में जब सफ़र करते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि तेरह नंबर सीट ना मिले

लोग वह का शिकार है पूरे पाकिस्तान में सब जगह ऐसी होता है अगर कोई जा रहा है कहा जा रहे हो फॉरन रुक जाएगा घर में जाएगा फिर दोबारा वापस आएगा लेकिन मोहल्ले में एक बंद को बैठा होता है जोर किसी से पूछ रहा है कहाँ जा रहे हो लेकिन आ, वो कहते हैं ना कि जो तो करो निकलने लगो या घर से जब आप निकलते हैं तो से पीछे से आवाज नहीं, नहीं ये भी बड़ा मशहूर है पानी वानी पी के फिर दोबारा वो कहते हैं ना थिंक ऑफ द डेवल ओ दुनिया तेन याद कि कितनी लंबी उम्र है तेरी

पामिस्ट्री में तेरा नंबर का फिगर जी जी यू थिंक सो के इतनी अहमियत का हामिल है और लोग इस पे वाकई करते हैं जो अल्लाह के नाम का नंबर है वो तेरा नंबर है।, वो ये का है कि वो इस नाम की ताकत से डरते हैं जब इमोल आदाज में जाते हैं तो अल्लाह के नंबर की जब निमरोलॉजी की जाती है तो उसका नंबर तेरह पत्थर होता है जी जी वहम है? बिल्कुल वहम नहीं है अच्छा। जब सूरत रहमान का आप तर्जुमा पढ़िए उसमें है और हमने तुम्हारे लिए याकूत और मरजान पैदा पत्थरों में क्योंकि प्लास्टिक भी बहुत आता है तो मैं एक निशानी फिर अक्सर बताती हूँ सर का बाल, बाल, बाल जलाए तो पत्थर के ऊपर रखें यू और यहाँ पे जलाने की कोशिश करे अगर पत्थर के ऊपर बाल जल गया तो नीचे प्लास्टिक है अच्छा और अगर वो बाल नहीं जला तो उसका मतलब आपके पास रियल स्टोन किस्मत से आ गया ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਨੇ ਦੇ ਦੀ ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਸਾਮਿਆ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਵਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਕਿਆ ਕਰੇ ਬੀਵੀ ਦਾ ਲੈ ਲੋ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵਾਲ ਕਾਟ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਲੈ ਲਵੇ ਵਾਲ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨਾ ਪੁੱਟਦੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਪੱਥਰ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਜਲ ਜਾਏ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਗੰਜੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅੱਛਾ <laughs> दो एक <laughs> अच्छा है अच्छा है दो तो कि ने क्योंकि मत पहन लीजिए जब तक उस आदमी के पास मुकम्मल नॉलेज ना हो कि आपके नाम आपके इसम के साथ कौन सा पत्थर जाता है और वो आपके लिए पत्थर ठीक भी है या नहीं बुलाते हैं आज के मेहमानों को आज के हमारे मेहमान किसी तरफ के मोहताज नहीं है अक्सर टेलीविजन पे क्रिकेट के हवाले से तजिया करते हुए या खेलते हुए भी आपने देखा है हमारे पहले जो स्टार हैं वो सईद अजमल साहब हैं और दूसरे हमारे हैं क्रिकेट के हवाले से जनाब मिर्जा इकबाल बेग साहब अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम अस्सलाम अजमल भाई के साथ तो मुलाकात रही है सर लेकिन आपसे मेरी दुबदू पहली मुलाकात है एंड आई हैव हर्ड सो मच अबाउट यू क्या तो इंसाइक्लोपीडिया है मुझे अभी इन्होंने डरा दिया उन्होंने कहा कि तुसी अगर पूछो ना मिर्जा साहब नु के आ, आ, मलंगा वाल किथों तो कटांदा सी ते <laughs> वो भी दस देंगे <laughs> <laughs> वो ही बता दे एक मुझे नुमान क्रिकेटर कहने लगा कि मैंने कि आपको तो नादरा में होना चाहिए था तो मैंने उसको जवाब दिया कि ज्यादा बातें नहीं कर मैं बता दूंगा कौन से हॉस्पिटल में तू पैदा हुआ अच्छा नमान में सबसे मजे की बात है कि मिर्जा साहब को नाम माशाल्लाह से बड़े याद रहते हैं अभी सेट पे आए ना सबका नाम पूछेंगे सामकम अगली दफा अगर एक साल बाद भी आएंगे सबको नाम से पुकारेंगे ये क्वालिटी मोस्टली हमने एजेंसीज के लोगों में देखी <laughs> आपका ताल्लुक किसी एजेंसी एजेंसी से एजन्सी एजन्सी से काश, हो जाता, से है। तो अगर काश नहीं। हो जाता तो फिर माशाल्लाह यहाँ पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी

और उसके बाद नजर लग गई भाई वो एक्शन की भी वजह से लेकिन सईद अजमल पाकिस्तान में नंबर वन रहा है बॉलिंग में में दुनिया माशाल्लाह से इंग्लैंड की टीम मुझे अच्छी तरह से याद है वाज कवरिंग दैट सीरीज इन यूएई और सईद अजमल ने जिस तरीके से वो वर्ल्ड की नंबर वन टेस्ट टीम रैंकिंग थी और जिस तरह से इसने बॉलिंग की क्या रीजन है मतलब दोनों से ये मैं पूछ रहा हूँ एक दूसरा सईद अजमल हम जनरेट नहीं कर पाए अभी तक ऑफ स्पिनर को इन्होंने बिल्कुल ही खत्म कर दिया अब देखे क्रिकेट इतनी वर्ल्ड ओवर हुआ है या सिर्फ लोकली पाकिस्तान में हुआ है ये पाकिस्तान के लिए अच्छा। सिर्फ पाकिस्तान के लिए हुआ अच्छा जो वैरायटी है ना वेरिएशन वो दूसरे बॉलर्स के पास नहीं लाइक सुकलैन मुश्ताक ने दूसरा आजाद किया उसको जिद्दत मैंने आके दी और वो वेरिएशन को इन्होंने खत्म करने के लिए कि दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो बैंड किए बगैर दूसरा कर सके ये नॉनसेंस बात है अगर इंसान चाहे वो कुछ भी कर सकता है बातों का सिलसिला तो इनके साथ चलता रहेगा लेकिन ब्रेक बहुत लाजमी है वेलकम बैक टू जी सरकार बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सईद अजमत साहब मौजूद हैं एक सवाल आपसे पहले भी पूछा गया था और उसका आपने बहुत मजेदार जवाब दिया था इज़ द साइंस ऑफ़ एक्चुअली लेकिन तुसी उस जवाब देना <laughs> तो ये साइंस को इन्होंने अंदर डाल के कहा ये साइंस ये नहीं कर सकती हम किसी को करने नहीं देंगे हम ये करेंगे वो <laughs> उसके ऊपर मैंने ये कहा था जो आपने सवाल जवाब दे सकना

हम एक प्लेयर को अगर खिलाते हैं तो उसको एक मैच का ही चांस देते हैं हम ये नहीं चाहते कि पांच सात दस मैच खेले और उसका टोटल हमें पता चल जाए कि इवन ही प्लेइंग और नॉट प्लेइंग हमारे प्लेयर्स का जो डेब्यू होता है इंटरनेशनल क्रिकेट का और टेस्ट का वो तीस साल से ऊपर जाके क्यों बत्तीस साल की उम्र में सरकार ने किया और फिर बिलाल आसिफ तैतीस साल की उम्र में तो क्या कोई पर्टिकुलर रीजन है इसका देखें अगर आप हकीकत की निगाह से देखें ना हमारे यहाँ लाइकिंग डिसलाइकिंग बहुत है लॉबिंग बहुत है कि अगर आपके पीछे कोई पुश करने वाला है आपकी लॉबिंग है तो आप खेल जाएंगे वरना आप इंतजार करेंगे सईद अजमल ने एक तवील अरसे तक डोमेस्टिक सर्किट में लॉबिंग की है हाँ फिर उसके बाद जाकर इनको जगह मिली इस एज के बाद लेकिन स्पिनर्स की एज नहीं होती बिलाल आसिफ के साथ बड़ी इन्होंने ज्यादा की है ये पाकिस्तान का अलमिया है नुमान और जिस तरह आपने दूसरा की बात की

इंटरनेशनल खेलने से रोक दिया कि आप थोड़ी देर रुक जाओ उसके बाद इन्होंने आके मुझे पकड़ के और मुझे और हफीज दोनों को साइड पे अच्छा वैसे मैंने सॉरी आई एम कटिंग बिमरा और हरभजन का भी तो आ, मसला है जी बिल्कुल है मगर वो इंडियन है ना उनके पास स्ट्रांग लेक स्पोंसर्स हैं पैसा है पैसा बोलता है सर चढ़ के और वो बोल रहा है हम तो किससे कैसे बने इस पे हम कैसे हाय 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 आईसीसी का जो सदर है वो इंडियन है चेयरमैन जो है हाँ जी अब अब इंडियन नहीं रहा अब तो न्यूजीलैंड का ग्रेगरी आ गए लेकिन मोस्टली जो आईसीसी का चीफ एग्जीक्यूटिव मनोज सोहानी उस पर इल्जाम लगे वो भी इंडिया से बिलोंग करता था शशांक मनोहर इससे पहले वो भी इंडिया से मतलब वो पूरी फुल्ली डोमिनेटेड है और हमारी लॉबी नहीं बन पाती असल मसला ये ये किस हद तक दुरुस्त है बाद में ये क्रिकेट में फिक्सिंग होती है देखें पहले क्रिकेट में नाइन्टीज में पूरी पूरी टीम फिक्स होती थी नाइन्टी थ्री के टूर पे जो अपने साउथ अफ्रीका का टूर था पाकिस्तान के कप्तान थे वो क्या करते थे कि टॉस जीत कर क्योंकि वहां लाइट टावर्स छोटे हैं तो वो टॉस जीत कर पहले दूसरी टीम को बैटिंग करा दिया करते थे जब हमारी बारी आती थी तो लाइट्स इतनी कम होती थी हम धड़ाधड़ आउट हो जाते थे इस तरह की टेक्निक्स बहुत सारी चीजें

दो इशू है एक इशू ये है हमें आप लोग मीडिया पे लाके ये कहते हैं बहुत ज्यादा मिल रहा है ये मिल रहा है वो मिल रहा है एक्चुअली इसका पार्ट वन आपने देखा पार्ट टू ये मैं आपके सामने बैठा पूरी दुनिया में नाम बनाया उसके बाद मेरे पास इवन जॉब भी नहीं है करने के लिए तो वो प्लेयर बेचारा जो ऐसी बरकत कर रहे तो यदि जगह आ सकते हो हाँ। <laughs> दे रहे हैं लेकिन सर और से ताल्लुक है बहुत अच्छी अच्छे मारते वेलकम टू द क्लब इतने बाल नहीं मिले पास थोड़े पाकिस्तान इंडिया के मैच कितने फिक्स्ड होते हैं <laughs> मैं मसूम आतूमाना हाँ। तो होते हैं देखिए मैंने आपको कहा आज के होता। होता अच्छा, प्रोग्राम okay. का तो, भी ये तो है हम अपने ऑडियंस को बताना चाहते हैं वो लोग जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाते हैं वो आइंदा से होना बंद कर दे क्योंकि ये सब मतलब? ऐसा ही है। <laughs> ना, ना। <laughs> है मैंने सब नहीं। स्टेटमेंट ये कि प्लेयर फिक्स होते हैं होते अब प्लेयर पकड़े भी जाते हैं ना देखो काफी पक... हमारे भी पकड़े जाते हैं जो कहते हैं कैश ही दे दो <laughs> वो चीज गलत नहीं है ना। तो आपके ख्याल में कैश नहीं लेना चाहिए <laughs> <laughs> तो कैश किसको अच्छा नहीं लगता हाँ। कैश इन हैंड तो तब क्या वाँ वाँ। कैश ना चेक पता नहीं। से हो या ना हो सच बताते हैं। <laughs> थोड़ी देर सच्चा सच्चा दे। दे पहले नुमानी में सवाल कर रहे हैं तो खुद एजेंसी के ताल्लुक सर हमारे एक डाकिया साहब हैं जो किसी ना किसी का पैगाम लेकर आते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हमारी वसादत से वो पैगाम वहां पहुंच जाए जहां उसने पहुंचना है तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बुलाऊं आइए सर तशरीफ लाइए बहुत सारी तालियां दी अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह किसका पैगाम लाए हैं सर सरकार आज पैगाम जो है वो एक स्मोकर का पैगाम उसने ये पैगाम दिया है कि जी ये मेरा पैगाम जो है ये जरा सिगरेट भी दी है सादा ही पिंदा ठीक है ਸਾਦੇ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਦੇ ਪੈਗਾਮ ਦਾ ਖੈਰ ਉਹ ਕਹਤਾ ਜੀ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਮੈ ਲਾਉਨਾ ਜਦ ਵੀ ਪਾ ਸਿਗਰਟ ਮੈ ਲਾਉਨਾ ਜਦ ਵੀ ਪਾ ਜਦ ਵੀ ਪਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਹਾਂ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਸਿਗਰਟ ਮੈ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਾਹ ਨਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਮਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਫਿਲਟਰ ਤਾਈ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਮਕਾ ਆਹ ਫਿਲਟਰ ਤੱਕ ਓਏ ਫਿਲਟਰ ਤਾਈ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਮਕਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਹਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹੌਲ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹੌਲ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏ ਮਾਹੌਲ ਹੂੰ ਵਾਹ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਫੇਰ ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਵਾਹ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਗਰਟ ਕੰਪਨੀ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗਤੇ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਟੁੱਟਾ ਹਲਸੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਿੱਚੋ ਸੂਟਾ ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਭੁਲਾ ਵਾਹ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਸਿਗਰਟ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਠੀਕ ਸਿਗਰਟ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਏ ਕੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਵਾ 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 ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੌਤ ਏ ਕੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਮੱਲੇ ਆਪੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਾਹ ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਤੇ ਕਾਦੇ ਯਾਰੋ ਸਿਆਣੇ ਆ ਕਾਦੇ ਯਾਰੋ ਸਿਆਣੇ ਆ ਸਾਦੇ ਯਾਰੋ ਸਿਆਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਅੱਗੀ ਪੀਵੀ ਜਾਂਨੇ ਆ ਆਹਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੀ ਪੀਵੀ ਜਾਂਨੇ ਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੰਦੂਰ ਬਣਾ ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੰਦੂਰ ਬਣਾ ਤੰਦੂਰ ਬਣਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਥ ਦੱਬੀ ਉੱਤੇ ਪੜਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਖੌਫ ਮਟਾ ਹਾਂਏ ਹਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਥ ਤੇ ਛੱਡ ਦੋ ਯਾਰੋ ਸੂਟਾਕਾਰੀ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ہماری ਜਾਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ अब आया क्लाइमैक्स पे अब दो डबिया पी के दो यारो सूटा घारी जान जो अपनी प्यारी और बंदे रब दे मगरों ला हाँ वावा। अब ये जाके खुद दो कश लगाएगा तमकू नोशी सेहत के लिए मजिद है ये आपकी बॉडी की कोई अर्ज नहीं वो जो लोग कहते हैं कि बड़ी तलब होती है तो इसलिए हम सिगरेट पीते हैं इट्स अ बैड हैबिट क्योंकि मजाक मजाक में ही ये काम शुरू होता है और फिर आपको इसकी आदत पड़ती थी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और जिस में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होती वेलकम बैक टू जी सरकार बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इंसाइक्लोपीडिया हैं क्रिकेट के हवाले से <laughs> तो वैसे भी नॉलेज है तो इनको। मुझे लगता है दिलों के हाल भी बेहतर हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि थोड़ी सी कमेंट्री करके हमें दिखा सकते। थोड़ी सी कॉमेडी करके तो दिखा कर जिस चीज की कमी होगी वही करके दिखाएंगे होस्टिंग भी कर रहे थे है अच्छा साहब साहब से मेरा सवाल ये इतने जहीन है ये बताइए मोहब्बत के जो इम्तिहान होते हैं उनके पर्चे कहाँ चेक होते हैं पार्क में दरख्तों के पीछे इन्होंने कोई आपने पेपर दिया है कहीं क्या नहीं मैं पूछ रहा हूँ आप पूछ रहे हैं तो पेपर आपने कहीं दिया होगा जब भी आप चेक और ये मुश्किल जो घड़ी

सलमान इरशाद के हाथ में गेंद है सलमान इरशाद का ताल्लुक रावला कोर्ट से और कश्मीरी खिलाड़ी हैं अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाते हुए इसी मुजफ़राबाद के मैदान पर उन्होंने ट्रायल्स दिए और ट्रायल्स में कामयाब हुए और ये वो मैदान है मुजफ़राबाद का कि जहाँ पर जब 8 अक्टूबर 2005 को जल्जला आया तो यहाँ पर जर्मन हॉस्पिटल का एक कैंप लगा हुआ था और बिल्कुल ये खंडर बन चुका था लेकिन अब यहाँ क्रिकेट की रौनकें लौट आई हैं और रोशनियों में भरती कुमकुमों की वाह वाह ये कमेंट्री सुनेगा अभी आप आखिरी में फिर बिरयानी की गल के अलावा उन्होंने सारी कला यार बॉलर पहले तमीज खींचना पड़ती है ना सर अच्छा वैसे लास्ट लास्ट बॉल के ऊपर चौका चाहिए बॉलर भाग रहा है भागना शुरू किया पीछे से क्या आवाज आती है आवाज क्या है कौन सी आवाज वो ऑडियंस की आवाज आती वो अब लगाने लगे ना कोविड की वजह से ऑडियंस होती नहीं ना हाँ ये सवाल आप लिख कर देते दे पढ़ लेंगे ये, नहीं नहीं उनको आ रही समझ ये जो आती है, जो आती है सही ये, ये ये है ये ये कंपेयर निकालता है ड्रोन कैमरे की होती है ड्रोन कैमरे की होती है ड्रोन कैमरे की आवाज आपके घर में भी आती है वैसे नहीं आती <laughs> वो एक मैच में डॉन के मैन के सर पे आके बैठ गया आजकल डॉन मेरे साथ <laughs> इनका काम है लोगों को ड्राउ ना <laughs> 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 सर माशाल्लाह यू आर वेरी नॉलेजेबल पर्सन इतने जहीन है एक कहावत है नेकी कर दरिया में डाल तो जिन इलाकों में दरिया नहीं होते वो नेकी करके कहा डालते हैं वो लोग दरिए <laughs> अच्छा वो कहते अच्छा, ना पता है वो कहते ना इसकी गलती में पर्दा डाल दो उसकी गलती पे तो ये गलतियों पर डालने वाला पर्दा मिलता है कहां से क्या वाला व्हाइट हाउस से

डिफरेंट स्क्रीन के सामने आप आए आप कॉमेंट्री करें आप अपनी सलाहियतें दिखाएं पाकिस्तान के लिए तो ये बेहतर है टी ट्वेंटी का वर्ल्ड कप दुबई सत्रह अक्टूबर सत्रह अक्टूबर मैच <laughs> बिल्कुल पाकिस्तान इंडिया चौबीस अक्टूबर ग्राउंड के हवाले से थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताएं और ये भी बताएं कि ये हमें शूट करता है कि नहीं करता बिकॉज आप

शहीद अजमल ने तो वहां आउट किए इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान कामयाबी से हमकिन हुआ लेकिन पाकिस्तान का रिकॉर्ड अगर आप देखें ना टी ट्वेंटी में छ वर्ल्ड कप में हम टी ट्वेंटी मैचेस खेले छ के छ हारे और जो पचास ओवर का वर्ल्ड कप है उसमें सात मैच खेले सात के सातों हारे तो अब लगता है पाकिस्तान जिंक्स वो तोड़ देगा अल्लाह करे चौबीस अक्टूबर ये भी वो इसको भी हम वो सुपरस्टिशियस और में डाल सकते हैं बड़े ये टीम केपेबल है ये ये जो आ रहा है नहीं Oh, 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 oh. अब देखें पाकिस्तान की टीम को कहा जाता है कि ये कभी भी जीत सकता <laughs> ये तो हमारे साथ एक टैग लगा हुआ है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कंप्लीटली अनप्रोडिक्टेबल यू नेवर नो कि वो परफॉर्मेंस कभी भी दूसरा कर सकती है <laughs> कहते फिर इन जो चो कट रूट कॉज सकनी है दस रूट कॉज हम लोग टेंशन में आ जाते हैं ये सही टेंशन हाइपरनेस है हमारी हमारे मैंने काफी मैच खेले इंडिया के खिलाफ जब मैं ग्राउंड में जाता तो हमें ऐसा लग रहा होता कि पता नहीं आज हमने किसी ने गोली मार है उन्नीस सौ संताली यारिकेट का <laughs> तो मैच है और इतना एक वो आपका ऑटोमेटिकली एक खून की गर्दिश चाहे किसी भी उम्र का इंडिया के अंदर मैच खेलने गए

गालियां पड़ी है, है ना ग्राउंड के अंदर से इतनी गालियां नहीं। 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 पाकिस्तानी टीम की इस वक्त क्या फिटनेस है वो फिजिकली खिलोते लग रहे होंगे एज कम्पेयर टू दी अदर प्लेयर्स उसकी वजह यह ना कि बीच में गैप आ जाता है एक तो हमारे यहाँ जो जो टेस्ट कदाफी स्टेडियम की सीढ़ियाँ भगवा रहे सही बताएगा ऊपर चढ़ के आओ नीचे आओ ऊपर आओ और बहुत खतरनाक किस्म के योजो टेस्ट लेते हैं जिसमें पॉइंट देते हैं और फिर उसके बाद जब लड़का घर जाता है तो वो पराठे खाता है खाना वाना खाता है तो फिर वो कहाँ से फिट होगा वैसे नुमान भाई आपस की बात है कि ठीक है हमारा फिटनेस लेवल अच्छा होना चाहिए मगर आप ये भी देखें हम उस कंट्री से बिलोंग करते हैं जहाँ पे टोटली तीन परसेंट ऑल स्पोर्ट्स टैलेंट होता है ना हमारा वही सारा आगे ग्रो कर रहा है अदरवाइज हम प्लेयर बना नहीं रहे प्लेयर जो बना हुआ आ रहा है हम उसी को यूटिलाइज यूटिलाइज कर रहे हैं वाह 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 आज की गुफ्तु का सबसे बेहतरीन पॉइंट है कि हम प्लेयर बना नहीं रहे जो प्लेयर रहे आ रहा है वो हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर एक मरतबा तो फिर से खुश आमदेद कहते हैं जी सरकार में जी सामिया जी बेग साहब के सितारे क्या कहते हैं बिफोर वी गो टू तो सईद अजमल साहब मिर्जा साहब के जो सितारे हैं मैं हैरान हूँ कि इनसाइक्लोपीडिया आप इन्हें क्रिकेट पे कह रहे हो या उस पर कह रहे हो अगर ये इस फील्ड में ना होते ये बेहतरीन डिटेक्टिव होते ये बेहतरीन जो है सुराग रसा होते <laughs> जैसे सामिया जी बता रही है ये हमेशा से शुरू से बचपन से जी, था जी, जी हालांकि मैंने मास्टर किया हुआ है इकोनॉमिक्स में एमएससी किया हुआ है मैंने सब पता होता था, था आपको मोहल्ले में कौन सा पीस कहाँ रहता नहीं, है मोहल्ले वाला पता था जिस चीज में आपको इंटरेस्ट हो उसके बारे में पता था ये मेट्रिक और ये एफ कितना जितना भी माशा आप पढ़े तो कभी बूटी की जरूरत नहीं पड़ी नहीं नोइंग सो मच अबाउट द प्लेयर सर इतना जानते हैं आप उनकी साइकी के बारे में और आपको सारी दुनिया के हालात पता है क्रिकेट की दुनिया के हालात पता है जैसे अभी सही साहब कह रहे हैं कि हमें ऐसे प्रेशर जंग की हालत में जाते हैं तो ये चीजें आपकी क्योंकि नॉलेज में है, तो कभी पाकिस्तान टीम ने आपकी सर्विसेज नहीं लेने की कोशिश की कि यार आप आके इनके साथ सेशन लगाए इनके साथ बैठे देखें जो बात सच बात करते हैं ना नुमान उसकी जरूरत नहीं होती ये बिल्कुल ठीक जवाब दिया है वाटर कूलर आपका हुआ आगे बताए जल्दी ले साहब के हवाले से इनके ऊपर इल्जाम है कि जिन्होंने स्ट्रेटजी बनाई जो मैं इनका सितारा देखती हूँ ये तो अपनी मासूमियत के हाथ तो खुद मार खा जाते हैं ये कोई स्ट्रेटजी नहीं प्लान कर सके तो वो बहुत नहीं है इल्जाम ही है ओके ये बिल्कुल ओके। इनका ये दिमाग ही नहीं है कि ये लॉबिंग कर सके तो यहाँ में मतलब सितारा भी नहीं बट इल्जाम तो बड़े संगीन है भाई के ऊपर लॉबिंग अच्छा लेकिन इनके साथ एक गुड लक है एक ही जगह एक पे जुपिटर एग्जॉल्टेड है और उसी जगह पे मार्स फॉल है जिस तरह इनको फंसाती है तकदीर उसी तरह इनको निकाल भी देती है यानी कोई दरवाजा बंद करे तो आप डरिएगा नहीं तो वा, वा, मैंने कहा को है और पैसा बड़ा मेहरबान है लेकिन पैसा संभालते नहीं पैसे की कदर नहीं करते पैसे को मेरे पास हो तो मैं करूं तो, तो अच्छा। कह रहे हमारे पास हो तो हम करें। नहीं, वो मेरी बीवी तो के बारे प्लास में प्लासे मैं घर से खर्चा मैं सारे शेखान आया इटाली <laughs> अपने ही सर छोटे छोटे सवाल है मेरी कुछ देन हम आपसे इजाजत ले लेंगे सर ओल्डेस्ट क्रिकेट मेमोरी क्या है आपकी अप्रैल 1986 में छियासी मेंियादात का छक्का

पाक में जगह आमीन। पाकिस्तानी क्रिकेट के जवाल का जिम्मेदार आप बेसिकली किस को समझते हैं right right तो हर अदारे में यही है राइट मैन इज नॉट एट द राइट जॉब सर कोई ऐसी आदत जो आप समझते हैं सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ियों में पाई जाती है पंटर बनाने की आदत लुकिंग फॉर पंटर इवन दीपल अच्छा ऑल दस देर लुकिंग पंटर है, है। <laughs> <laughs> तो टोटल मैं कुछ खिलाड़ियों तो के नाम लेता हूँ आपके ख्याल देना चाहेंगे मिस बाउल हक साहब पसंद पसंद के बजाय हकदार को उसका हक दिया वाह चार बारियां ले चुके हैं पाकिस्तान की जानब से किसी और को भी चांस दीजिए वाह वाह उमर अकमल साहब जी बड़ा टैलेंटेड क्रिकेटर लेकिन अपनी आदतों की वजह से वो क्रिकेट से बिल्कुल ठीक तो, <laughs> जी। तो का। अच्छा, है वो बहुत ज़्यादा बाबर आजम साहब बाबर आजम एक टैलेंटेड क्रिकेटर वो बैट्समैन बहुत अच्छा है लेकिन उसको अपने आप को ग्रूम वो बात करता है तो फिर एक्सपोज होता है So <laughs> <सर्थ मुँद आसिफ। laughs> ज्यादा अरसे की कशिश उसको लेडू ले बदकिस्मत <laughs> ले <मुँद> <laughs> इतना यंग टैलेंटेड गुज्जर खान से आया और कहा से कहा चला गया लेकिन कहते ना कि अगर आप अंडा देने वाली मुर्गी को हलाल कर दे तो फिर सारे अंडे आपके हाथ नहीं आए थैंक यू सर छोटे छोटे सवाल खतरनाक बैट्समैन जिससे आप मोहतात रहते थे कोई नहीं कोई नहीं।, नहीं कोई एक बेहतरी जो पिछले चंद सालों में सईद साहब आप समझते हैं कि आपने नोट की हो क्रिकेट के हवाले से कोई नहीं कोई नहीं ड्रेसिंग रूम में सबसे ज्यादा गुस्सा किस खिलाड़ी पर आता था मिस क्यों आता था सारा दिन मुझसे बॉलिंग करवाता था हाँ खाने के बाद मेरे मेरे साथ क्रिकेट की बातें से भी मेरे साथ क्रिकेट की बातें बस सोने के लिए छुट्टी मिलती किस खिलाड़ी के साथ रूम शेयर करने से कतराते थे किसी भी खिलाड़ी के साथ मैं अकेला सर अच्छा ओके। सर इन खिलाड़ियों को क्या मशवरा देंगे शोब अख्तर साहब वो काम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं अहमद शहजाद थोड़ा और बेहतर हो जाए ताकि एक साइड पे पर्ला बारी हो जाए शर्जील खान सब उसकी फिटनेस पे बात करें मैं भी कह देता हूँ थोड़ा सा पतला आ जाए चल किसी की तो मान ले अच्छी बात मोहम्मद आमिर साहब बयान देने के बाद उसको वापस ना लें जो गाय वो उसके फिर कैम भी रहे ओके शाहिद अफरीजी साहब जी सपोर्टिंग गाय बाबर आजम साहब पाकिस्तान का बेस्ट टैलेंट बेस्ट है ना उमर टिकटॉकर करने के के लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा अच्छा और हसन हसन अली अली साहब फोकस करें अपनी गेम ऊपर पूछा जाता है कि आप किस क्लब से खेलते कहते हैं एलडब्ल्यूसीसी अब लोग परेशान थे फिर मैंने रिसर्च की तो पता चला लद्दे वाला वड़ाइज हाँ क्रिकेट

मेहनत का फल कभी रायगा नहीं जाता आप मेहनत करें अल्लाह पाक की जात पे भरोसा रखें किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं किसी लॉबिंग का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं अपना खास ख्याल रखिएगा जी सरकार के अगले एपिसोड में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे थैंक यू सर थैंक यू सर